धन्यवाद आपका जी, आप हमारी वीडियो पर आए हैं, आप खुश रहिए और आपके माता पिता भी बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं 6 क्वेश्चन आंसर का वीडियो, और इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, पर इस वीडियो के बाद में आप देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे कॉपी को पहले रख लें, उसके बाद जो है चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। फर्स्ट क्वेश्चन है डी कुमार जी, नाइस रेसिपी, थैंक्स आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा कुमारी जी का, कितने व्यूज पर 4000 वॉच टाइम पूरा होता है, प्लीज बताएं दी। हाँ जी, व्यू तो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो वीडियो हो वो 4000 घंटे उस वीडियो को देखा गया हो, इसमें वीडियो की टाइमिंग, मिनट्स की जो लेंथ है वो थोड़ा डिपेंड करता है। और कम लोग भी आपका 4000 घंटे पूरा कर सकते हैं आपका वीडियो देख करके, और ज्यादा लोग भी आपका 4000 घंटे पूरा कर सकते हैं आपका वीडियो देख करके। और जितना ज़्यादा आपका वीडियो देखा जाएगा उतनी जल्दी आपका जो है 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है अहम प्राची क्यूट चैनल जी का, मुझे भी फ्राई किए हुए ही पसंद है जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ क्वीन जी, नाइस डियर, थैंक्स डियर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुलविंदर कौर जी, वेरी गुड, थैंक्स वेरी मच। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरनेशनल रेलवे जी, आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया था घर किसका है ये, तो वो जो है वो हमारी मौसी जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आराध्या यादव जी, नाइस रेसिपी, धन्यवाद जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन भाती जी का, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगला क्वेश्चन लिखते हैं अफरीन जी, वेरी नाइस जेसिका, कीप इट अप, योर वीडियोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक्स, जो आपको मेरा वीडियो रुचिकर और आपको अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोह जी, वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू। और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं नाजमा खान जी, जेसिका दीदी हमें आलू की चाट की रेसिपी बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, बहुत जल्द आएगा इसकी रेसिपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक अमेता जी का, खूब कला को देसी भाषा में क्या बोलते हैं। हाँ जी, खूब कला को एक और नाम से बोला जाता है जिसे कहते हैं ताल मखाना। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, और अभी आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि हम संडे को आपके भी क्वेश्चन का आंसर लाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक भी करिएगा।